नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। आज हमारे साथ दो मेहमान हैं, वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से, धर्मेश भाटिया हैं एमिरेस एनबीडी से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। साथ ही आगे हमारे साथ पुखराज चोपड़ा होंगे, जाने माने एग्री एक्सपर्ट। चलिए सबसे पहले फटाफट से टॉप 10 खबरें बता देते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड स्तरों से, कल हमने देखा था कि 57,125 का नया रिकॉर्ड बना था, वहाँ से अब भाव करीब करीब 400 रुपये नीचे आ चुके हैं, 56,800 के नीचे अब MCX पर भाव आ चुका है। चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी अब गिरावट बढ़ी है, 68,000 के आसपास भाव आ चुका है, आज 300 रुपये की गिरावट दिख रही है। क्रूड में दायरे में कारोबार हो रहा है, ब्रेंट $86 के ऊपर अभी भी बना हुआ है। नेचुरल गैस लगातार बिकवाली जारी है, आज भी 2% तक की गिरावट दिख रही है। MCX पर नेचुरल गैस का फरवरी का वायदा 250 रुपये के भी नीचे आ चुका है। कॉपर दायरे में कारोबार हो रहा है, सारे ही बेस मेटल्स में एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। एग्री मार्केट की बात करें तो मेंथा, जहां पर गिरावट अब बढ़ गई है, अब 870 के पास मेंथा का अगला नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। कैस्टर की बात करें तो दायरे में कारोबार है, 7,000 के नीचे भाव है। जीरा 2% तक की गिरावट दिख रही है, 32,000 के नीचे भाव है। धनिया में भी कमजोरी है, 8,000 के करीब कारोबार धनिया में हो रहा है। हल्दी में भी गिरावट है, 7,800 के आसपास। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड में रिकॉर्ड स्तरों पर अब बाजार टिकता हुआ नहीं दिख रहा है। वंदना जी, क्या हो रहा है गोल्ड में, क्या इन स्तरों से बिकवाली और बढ़ने वाली है, यहाँ पे कितनी करेक्शन की उम्मीद करें गोल्ड में? विश्वमन जी, मुझे लग रहा है कि रैली थोड़ी सब यहाँ पे टायर्ड है, इंडिकेशंस यहाँ पे सिल्वर में पहले आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि अभी एक इंडिकेशन क्लैरिटी नहीं आ रही है, डॉलर इंडेक्स अभी भी 102 से नीचे है, और जैसे जैसे हम मंथ एंड की तरफ जाएंगे और एक रेट हाई की तो यहाँ पे उम्मीद है, वहां पे मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन जो है गोल्ड में देखने को मिलेगा और डॉलर इंडेक्स में उछाल आएगा। दूसरी चीज ये है विश्वमोहन जी की, लगातार यहाँ से चाइना से पॉजिटिव न्यूज आ रहे हैं, 6 महीने के डिक्लाइन के बाद यूरोपियन जोन का भी यहाँ पे जो PMI है वो पॉजिटिव आया है, तो ये सारे जो सर्कमस्टांसेस, उससे लग रहा है कि थोड़ा सा एक फॉर द टाइम बिंग एक शॉर्ट पॉज जो है वो दिखेगा गोल्ड प्राइसेस में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेलिंग करके चलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि कोई मेजर ट्रेंड में यहाँ पे बदलाव आया, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन एक्सपेक्टेड है। 56,850 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे सेलिंग करनी चाहिए, 56,500 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 56,000 का होगा, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ ज्यादा नहीं लेकिन 56,200-300 के करीब आ सकता है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में। यानी यहाँ से नरमी की संभावना लग रही है, एक छोटा सा करेक्शन आपको यहाँ पे दिख सकता है, 56,500 रुपए तक आ सकता है। धर्मेश जी, आप सहमत है, आपको भी लग रहा है इस तरह की गिरावट आ सकती है गोल्ड में? देखिए, मैं वंदना जी से काफी सहमत हूँ, मुझे भी लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी नरमाहट आ सकती है, स्पेशली सोने के चमक में, और प्राइस यहाँ से भी मेरी जो टारगेट है वो भी 56,500 की रहेगी इमीडिएटली। पोजिशनली अगर आप देखें तो प्राइस में जो तेजी देखने मिली थी $1,650 से ऑलमोस्ट $1,900 की ऊपरी स्तरों पर, तो प्राइस टिक नहीं पा रहा है। 1900 के ऊपरी स्तरों पर कंटिन्यूसली मार्केट काफी दायरे में ट्रेड हो रहा है, और अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स 101 102 से काफी एक सपोर्टिव जोन में है, तो यहाँ से संभावना है कि यहाँ से एक पुलबैक रैली भी आएगी। प्लस रेट हाइक की बात चल रही है जहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट के जुगलबंदी है, तो यहाँ कहीं ना कहीं मार्केट में एक दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो ये जो प्राइस है सोने की, यहाँ पे काफी ऊपरी स्तरों पर सस्टेनेबिलिटी काफी कम रहेगी। अगर आप इंडिया में काफी सारे निवेशक जो चैनल पे देख रहे हैं वो फिजिकल बिजनेस में भी रहेंगे, और मुझे उन्होंने काफी जगह से अगर आप देखिए तो प्राइस जो डिस्काउंटेड स्पॉट है वो ऑलमोस्ट $5 से $7 आ चुका है, जो कंपैरेटिवली $15 थे पिछले हफ्ते। तो रेंज काफी बड़ा है, $15 से $20 तक के डिस्काउंटेड रेट स्पॉट से चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिजिकली डिस्काउंट में है, फ्यूचर्स ऊपरी स्तरों पर सस्टेन हो रहा है, तो ये ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा, कहीं ना कहीं फ्यूचर को स्पॉट की तरफ आना होगा। तो यहाँ पे सेल ऑफ आने की गुंजाइश काफी हाई है, क्योंकि ये लेवल पे बाइंग काफी कम रहेगी, एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक, बाकी कोई भी रिटेलर्स पोजिशनली कॉर्पोरेट कोई बाय नहीं कर रहा ये लेवल पे। और अगर रेट हाइक होती है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी हाई हो जाएगी, मार्जिन काफी बढ़ जाएगा, तो सेल ऑफ आने की चांसेस काफी हाई है। तो मैं रेकमेंड करूंगा छोटी अवधि के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं, एटलीस्ट 500 से 600 रुपए की गिरावट आपको सोने में करंट लेवल पे देखने मिल सकती है। यानी 500 से 600 रुपए की गिरावट करंट लेवल से आपको यहाँ पर दिख सकती है। चांदी में धर्मेश जी क्या लग रहा है, चांदी तो उस तरह से तेजी भी नहीं आ रही है गोल्ड में, जिस तरह से रिकॉर्ड हाई बना, चांदी उस कैचअप रैली उस तरह की दिखी नहीं इस बार, क्या लग रहा है चांदी में अभी दम बाकी है या चांदी भी अब गोल्ड के साथ फिर से और नीचे आएगी? देखिए, अगर आप चांदी की बात करें तो चांदी भी काफी सीमित दायरे में ट्रेड हो रही है,
65,000 से 70,000 का जो दायरा है 5,000 के दायरे में, यानी ऑलमोस्ट 8 से 9% का दायरा है, इसी दायरे में कंटिन्यूस ट्रेड हो रही है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो भाव अगर 21 से डॉलर से लेकर 24 डॉलर, मार्केट ये $3 यानी $7 से $8 की वॉलिटिलिटी अगर एक्सपेक्ट करते थे वो हो नहीं रही है। कंपेरेटिवली गोल्ड चांदी इतनी बढ़त नहीं दिखाई है, प्लस बेस मेटल में जो तेजी देखने मिले, जो हम कंटिन्यूस कह रहे थे बेस मेटल में आएगी तेजी और आ चुकी है, उसकी उसकी असर भी आपको चांदी में देखने नहीं मिली है। तो चांदी मेरे ख्याल से ऑड मैन आउट है, न वो तेजी हो रहा है ना मंदी हो रहा है। तो मैं रेकमेंड करूंगा खाली स्पेक्युलेटर यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। जो पोजिशनली जिन्हें बाय करने की इच्छा है, मैं रेकमेंड करूंगा कि $20 के इर्द गिर्द आता है तब बाय करें, या 65,000 के निचले स्तर आता है तभी बाय करें, बट करंट लेवल पे तो मैं सेलिंग की सलाह दूंगा। ओके, करंट लेवल पे सेलिंग की सलाह, 65,000 के आसपास अगर घरेलू बाजार में आता है तब आप नई खरीदारी की सोच सकते हैं। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है चांदी में क्या करना चाहिए करंट लेवल पर, और अगर किसी को खरीदारी करनी है तो कितनी गिरावट आने के बाद खरीदारी करनी चाहिए? जी विश्वान जी, मुझे भी यहाँ पे मैं अग्री कर रही हूँ धर्मेश, इससे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे 22.85 से 22.6 इमीडिएट एक यहाँ पे लग रहा है कि करेक्शन आ सकता है कॉमिक्स में, और उसको फॉलो करेगा अपना मार्केट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मंदी में ही रहना चाहिए, और सिल्वर में एक 68,350 एक लेवल है जहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ 67,800 के करीब आएगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 68,600 का। और थोड़ा सा अगर ओवरऑल हम देखें यहाँ पे कि व्यू क्या बन रहा है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करेक्शन का ही व्यू रहेगा फिलहाल, और नीचे की तरफ 67,500 तक भी प्राइसेस आएगा। तो इस लेवल तक के लिए मुझे लग रहा है कि 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन फिर मेरा ये रहेगा टाइम पीरियड, यहाँ पे बिकवाली करके चलना चाहिए चांदी में। ओके धर्मेश जी, इस नेचुरल गैस में क्या लग रहा है, काफी गिरावट आ गई है, जून 2021 के बाद के सबसे निचले स्तर पर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा है, कब खरीदारी लौटेगी? आई थिंक इटी नाउ स्वदेश के सारे प्रेक्षकों ने, उन्होंने काफी अच्छा मुनाफा किया होगा, क्योंकि पिछले हफ्ते से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि 250 का स्तर आपको देखने मिलेगा, और अगर आप देखिए आज भी मार्केट 250 के स्तर पे टिका हुआ है, अभी भी मंदी आने की गुंजाइश काफी हाई है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि पोजिशनल ये 220 से लेकर 210 के स्तर के लिए बढ़ सकता है। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा इसमें तेजी करने की, कोई भी उछाला अभी भी इसमें बिकवाली करके चल सकते हैं। पोजिशनली 280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 240 से 220 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे एक बड़ी पोजिशन बिल्डअप कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। छोटी अवधि के लिए अगर आप देखें तो 10 से 20 रुपए की गिरावट आपको देखने मिल सकती है, वॉलेटिलिटी सिर्फ इसी दायरे में है, बट मैं रेकमेंड करूंगा उछाले पे बिकवाली करें। बट जो तेजी करना चाहते हैं, जिन्हें बाइंग करने की सलाह है, मैं रेकमेंड करूंगा आप वेट एंड वॉच करें। वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा जून एंड जुलाई में आती है, जब हरिकेन सीजन होता है और ऑफशोर ड्रिलिंग बंद हो जाती है, तब यहाँ पे चांसेस हाई है ड्रिलिंग हाई होने की। बट अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है नहीं मार्केट में, सप्लाई काफी स्मूथ है, तो रेकमेंड करूंगा कि उछाले बिकवाली करके चल सकते हैं, बट स्टॉप लॉस जरूर रखना, क्योंकि ये काफी चंचल कमोडिटी है, इसकी वॉलेटिलिटी काफी हाई है। मुझे याद है आपने पहला टारगेट जब 300 के आसपास था 280 का दिया था, और पोजिशनली आपने 250 का टारगेट दिया था, वहां तक आया भी था, लेकिन अब ध्यान रखिएगा क्योंकि काफी वॉलेटाइल काउंटर है, तो उछाल पर बेचिए। अगर इंट्राडे एक दो दिनों के लिए व्यू है तो 265 का स्टॉप लॉस लगाए, अगर लंबा व्यू है एक से दो हफ्ते का व्यू है तो फिर नीचे की तरफ 220 तक भी आ सकता है जैसा धर्मेश जी कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए स्टॉप लॉस आपको 280 का प्लेस करना है ताकि नुकसान आपका बड़ा होने की आशंका नहीं रहे। वंदना जी, आप क्या सलाह देंगे नेचुरल गैस में? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, और लगातार देखिए प्रीमियम में भी यहाँ पे फर्क आ रहा है, कल यहाँ पे ऑप्शन की एक्सपायरी है नाइमेक्स में, उससे पहले मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा। मैं यहाँ पे सेलिंग की ही सलाह दूंगी, मुझे लग रहा है कि फेब्रुअरी में एक लो लगना चाहिए और वहां से ग्रेजुअल एक सीजनल अपसाइड आता है नेचुरल गैस प्राइसेस में। मेजर सपोर्ट मुझे लग रहा है 226 के करीब, लेकिन अगर इंट्राडे की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, 251 के स्तर पे सेलिंग करनी चाहिए, 240 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 256 का लगाना होगा। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये भी थोड़ी सी मंदी यहाँ पे और बनेगी, 226 तक का लेवल आता हुआ हम देख सकते हैं। और एक चीज और है कि यहाँ पे हायर साइड पे स्टेबिलिटी आती हुई नहीं दिख रही, तो जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी तब तक ठोस यहाँ पे अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। ओके, कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में अब आज दायरे में कारोबार दिख रहा है, लेकिन दो हफ्ते से लगातार वीकली गेन हमने देखा था। धर्मेश जी, क्या कच्चे तेल में क्या करना चाहिए, किस तरह से रणनीति बनाए? देखिए आज कच्चे तेल का इन्वेंट्री भी है और एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन्वेंट्री बढ़ के आएगी, तो यहाँ पे गुंजाइश काफी हाई है कि यहाँ पे बिकवाली हावी रहेगी। अगर आप देखिए लास्ट 3-4 दिनों से मार्केट 80 से $82 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट से अगर आप डोमेस्टिक मार्केट कंपेयर करें तो 6,500 से 6,600 का दायरा है जहाँ मार्केट सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है।
तो शॉर्ट टर्म छोटी अवधि के लिए आप यहाँ पे बिकवाली करके चल सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ एटलीस्ट 100 से 150 रुपए की गिरावट आपको करंट लेवल से दिखने मिल सकती है। पोजिशनली मुझे नहीं लगता मार्केट में लंबी तेजी है जो आनी चाहिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन इतनी है नहीं। ओपेक अपना प्रोडक्शन कट करके प्राइस को स्टेबल कर रहा है, बट अगर जैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन आने की हाई चांसेस है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की हाई चांसेस है, तो कच्चे तेल में आने वाले समय में आपको मंदी ही देखने मिलेगी, क्योंकि ये लेवल पे स्थिरता काफी कम रहेगी। तो उछाले बिकवाली की सलाह रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अगर आप देखिए तो मुझे $75 से $70 का टारगेट रखता है, और डोमेस्टिक मार्केट में 6,200 से लेकर 6,000 के स्तर आपको छोटी से मीडियम अवधि यानी 2 से 3 महीने के अंतराल में देखने मिल सकता है। ओके, चलिए अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं। बेस मेटल्स में आज हल्की कमजोरी यहाँ पर दिख रही है, या दायरे में कह सकते हैं कि दायरे में कारोबार हो रहा है। 227 के आसपास एल्युमिनियम, जिंक 298 के आसपास, कॉपर 785 के आसपास और लेड 185 रुपए पे। वंदना जी, क्या टॉपिक है बेस मेटल्स में, अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह है आपकी तरफ से? चाइना से पेंटअप डिमांड उभर के आ रहा है विश्व मोहन जी, और कुछ डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आए हैं। यूएस का भी कल पॉजिटिव आया है, यूरोप का भी पॉजिटिव आया है, और थोड़ा सप्लाई साइड एक्सक्यूज है यहाँ पे कॉपर में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी बाइंग बनेगी, यहाँ पे 785 के करीब बाय करना चाहिए। टारगेट होगा यहाँ पे 791 इसको करना होगा, 791 का स्टॉप लॉस, 782 का लगा के चल सकते हैं। और मुझे ये बताना है दर्शकों से कि यहाँ पे रैली काफी ओवर स्ट्रेच हो गई है, तो 791-792 एक रेंज रहेगा जहाँ पे सेफ बाइंग से निकलना भी होगा। ओके, धर्मेश जी आप क्या पसंद करेंगे, अगर दो कोई टॉपिक अगर चुनना हो पूरे ही बेस मेटल्स में आज के लिए, तो कहां ट्रेड की सलाह दे रहे हैं आप? मेरी दोनों टॉपिक सेम रहेगी, कॉपर एंड जिंक। पिछले 2 हफ्ते से मैं कंटिन्यूस कॉपर एंड जिंक में बाइंग की सलाह दूंगा। कॉपर ऑलमोस्ट 800 आ चुका है, जो हमारी टारगेट पोजिशनल टारगेट था, ऑलमोस्ट 1 महीने से मैं ही टारगेट पे अड़ा हुआ था और 800 के स्तर आपको देखने मिले। दूसरी मेरी जिंक थी, जिंक में मैंने 300 का स्तर कहा था और मार्केट 300 ब्रेक कर चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी बरकरार रहेगी दोनों काउंटर में। चाइनीज हॉलीडे चालू है, पिछले हफ्ते से अगर कंपैरिजन देखें तो मार्केट में फिर से यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकती है और प्राइस यहाँ से फिर से तेजी की रुख बदल सकता है। 805 का इमीडिएट टारगेट रहेगा कॉपर में, और पोजिशनली 820 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं। दूसरी जिंक रहेगी, जिंक में मेरी पोजिशनल 310 से 320 के टारगेट के लिए मैं सलाह दूंगा यहाँ पे बाइंग करने की। छोटी स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग करके चल सकते हैं। यानी कॉपर और जिंक दो टॉप पिक है आपके लिए बेस मेटल्स में। लेकिन अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में आज सबसे ज्यादा बिकवाली दिख रही है ग्वार गम, ग्वार सीड और जीरे में। इन दोनों ही तीनों ही काउंटर पर बात करने के लिए हमारे साथ पुखराज चोपड़ा जी हैं, जाने माने एग्री एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि ग्राउंड के क्या हालात है, क्यों ये गिरावट बढ़ी है। पुखराज जी, सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वार गम की बात कर लेते हैं। जनवरी की हाई से देखिए तो 12 से 13% तक की गिरावट आ चुकी है। क्या हुआ है, अचानक से इतनी गिरावट क्यों बढ़ी है, या लग रहा है कि अब इन लेवल्स पे खरीदारी लौटेगी? क्या लग रहा है ग्राउंड पर, क्या स्थिति बदली है सर? देखिए विश्व मोहन जी, फंडामेंटल में तो कोई चेंज नहीं है, और वैसे भी एग्री कमोडिटी के अंदर जो दो दुर्घटनाएं हुई थी, एक कोरोना की है या ईरान इराक युद्ध के समय हुई थी, उस समय अचानक से इस तरह की गिरावट आती है। तो ये जो कल 5 मिनट के अंदर बाजार गिरा है शाम को बंद होते समय, और आज भी सुबह खुलते खुलते जो बाजार गिरा है, ये फंडामेंटल का कोई चेंज नहीं है, ये शुद्ध सट्टेबाजी है। यदि हम फंडामेंटल को देखें तो स्थिति जस की तस है, उसी तरह की डिमांड है, उसी तरह की सप्लाई है, इसमें कोई चेंज नहीं है। विश्व मोहन जी, 27,000 टन के आसपास मंथली निर्यात हो रहा है, ये दिसंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी में भी लगभग यही 27,000 टन या 30,000 टन के डाटा आएंगे, तो एक्सपोर्ट भी कम नहीं है। यानी एक्सपोर्ट भी ठीक है, 30,000 बोरी पर डे अराइवल है, उसका 900 टन गम बिकता है, और 27,000 की एवरेज से देखे तो 900 टन गम का ही निर्यात हो रहा है। तो फंडामेंटल कोई चेंज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वायदा बाजार के अंदर लिवाली बिकवाली की गड़बड़ है। तो विश्वमोहन जी, आपने जैसे पूछा कि आगे के लिए क्या होगा, तो मैं ये बता दूं कि फंडामेंटल कोई चेंज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये जो घट आई है वो निवाली और बिकवाली की है, इसके अंदर कोई नई घटना ऐसा नहीं हुआ है जिससे हम ये कह सकें कि इस कारण बाजार घट गया या इस कारण बाजार बढ़ गया। विश्वमोहन जी, सर जिस तरह के अराइवल्स की दिक्कतें हैं, अब एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें
ये बात कही जा रही है कि 7-8 महीने में 25 से 30 लाख बोरी आवक की उम्मीद है और सीजन की शुरुआत से अब तक सिर्फ 35 लाख बोरी आवक आई है, लेकिन रोजाना आवक 22 से 50 हजार बोरी है, लेकिन ग्वारगम का जो एक्सपोर्ट है वो 27 से 30 हजार बोरी है हर महीने का एक्सपोर्ट। ऐसे में अगर आपको इस एक्सपोर्ट को अगर पूरा करना है तो 10 लाख बोरी की जरूरत होगी हर महीने, इतनी ग्वार सीड चाहिए। तो क्या ऐसे में एक जो डिमांड है और जो सप्लाई है वो एक गैप क्रिएट हो रहा है, उसका फायदा आने वाले समय में ग्वार सीड और ग्वारगम की कीमतों में देखने को मिल सकता है क्या? देखिए विश्वमोहन जी, आपने सही पकड़ा है, आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे ये जो अभी गवार घट रहा है, पहला तो ये देख लीजिए कि ये जो गवार घट रहा है उसके अंदर अराइवल भी घटेगी, क्योंकि इस बार किसानों ने माल रोक रखा है और किसान घटा के बेचने के इच्छुक नहीं है ऐसा लग रहा है। तो आज भी ये देखने को मिलेगा कि बाजार की सप्लाई कमजोर हुई है। वैसे भी जो स्टॉकिस्ट लिवाल है उनसे मिलर के हाथ में बहुत कुछ ज्यादा नहीं आ रहा है और इन भावों पे तो नए स्टॉकिस्ट बनेंगे ही, तो आगे जाके इसके रेशियो में चेंज आएगा। अब वो क्यों चेंज आएगा, इसके पीछे कारण ये नहीं है कि 30 लाख बोरी आ गई फिर 30 लाख बोरी आनी है, ये तो बाइस माइंड से सोच है कि कितनी आ गई और कितनी आएगी, इसको खुले नजरिए से देखना पड़ेगा। हमें देखना यह है कि ग्वार ऐसी कमोडिटी है जिसे हम काला सोना कहते हैं, ये लंबे समय तक खराब नहीं होती, यानी 10-12 साल आप स्टॉक रख सकते हैं, हल्का फुल्का फर्क आता है। तो ग्वार को लोग स्टॉक रखते हैं जिस तरह से गोल्ड को रखते हैं, सिल्वर को रखते हैं, तो आगे जाके स्टॉक के लिए ये ग्वार है ना काफी होगा, यानी कम पड़ेगा। तो स्टॉक के लिए जैसे जैसे कम पड़ना शुरू दिखेगा वैसे वैसे बाजार का फ्लो अपने आप बनता जाएगा। जो लोट से बाजार, नगों से बाजार, जिस तरह से आपने 1000 लोट एक साथ बेचे बाजार घट गया, 1000 लोट एक साथ लिया आपने बाजार बढ़ गया, ये उसी तरह की घटना है, फंडामेंटल में चेंज नहीं है, इसका भविष्य आगे जाकर अच्छा ही है। तो तेजी की संभावना ज्यादा लग रही है क्योंकि डिमांड जिस तरह के स्ट्रॉन्ग डिमांड है, ऐसे में सप्लाई उस तरह की नहीं दिख रही है। सर अब जीरे की बात कर रहे थे, जीरा लगातार रिकॉर्ड बना रहा था, अब देखिए अब जो रिकॉर्ड लेवल है उसे 5000 रुपए से ज्यादा सस्ता हो चुका है। जीरे में क्यों इतनी गिरावट आई, या तेजी बहुत ज्यादा आ चुकी थी, फंडामेंटल से ज्यादा तेजी थी, जितनी दिक्कतें नहीं थी, जितने कंस्ट्रेंट्स नहीं थे उससे ज्यादा तेजी आ गई थी, उस वजह से ये बिकवाली है? बिल्कुल, ये जो अतिरिक्त तेजी आई विश्वमोहन जी, ये उसी की गिरावट है। जो तेजी बनी थी वो शॉर्ट फसलों के कारण से बनी थी और 38,000 रुपए के लगभग भाव तक हो गए, जो आज 31,600-31,700 के बीच में अभी चल रहे हैं, तो इसके अंदर 6,500 रुपए की मंदी आ गई। विश्वमोहन जी इसमें भी यही है, इसमें भी फंडामेंटल तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो नई बुआई है उसकी रिपोर्टें पहले ही आ चुकी है कि गुजरात के अंदर ये 15-20% कम है, राजस्थान के अंदर ये 10% ज्यादा है, तो कुल मिलाकर बिजाई के आंकड़ों में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जहां तक फसल का अनुमान है, आज की तारीख में हम फसल का अनुमान 52 लाख बोरी, 50 लाख बोरी या कोई 55 लाख बोरी की अनुमान लगा रहा है कि इतनी फसल आ जाएगी। यदि इतनी फसल आएगी तो ये नेचुरल है कि फिर अगले साल जो ये 2023 चल रहा है, अगला मतलब 2023 में फिर इसकी शॉर्टेज बनेगी और फिर इसी तरह की तेजी मंदी बनेगी। क्योंकि ये मसाला बाजार है इसलिए इसके अंदर बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा गड़बड़ आती है, तो इस संभावना को ध्यान में रखकर ही लोग ट्रेड करते हैं। जीरे में भी यदि अभी गिरावट आ जाए तो आगे के लिए अच्छा होगा, ट्रेड करने के लिए लोग आराम से ट्रेड कर पाएंगे। बढ़े हुए भावों में ट्रेड में डर लगता है और साथ में 8-10% की डिमांड भी कमजोर हो जाती है। तो मुरली जी, जीरा का फ्यूचर भी कोई खराब नहीं है, आगे जाके अच्छा ही है। जिस तरह की बिजाई के समाचार आ रहे हैं, जिस तरह की पीछे की फसलों में नुकसान आ रहा है और आगे की फसलें ठीक बता रहे हैं, तो वैसे ये लगता है कि जो अतिरिक्त बढ़ा हुआ था वो बाजार घटा है, यानी बाजार अब सही दिशा में आ रहा है और एक हेल्दी करेक्शन के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। लोअर लेवल पे आपको मौके देखने चाहिए बाइंग के, ऐसी इनकी बात से लग रहा है। शुक्रिया पुखरा सर आपका, वंदना जी आपका, धर्मेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि आज 4:27 पर कमोडिटी निवेश की जगह आज हम बात करेंगे बजट से तेल तिलहन इंडस्ट्री की क्या उम्मीदें और ग्राउंड से बात होगी। चार तेल तिलहन इंडस्ट्री के चार दिग्गज हमारे साथ होंगे और सी के ऑफिस से, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के ऑफिस से सीधी ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपके लिए लेकर आएंगे। बजट से क्या है इस इंडस्ट्री की उम्मीद।